एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिसंबर 2023। क्वेश्चन में बेसिकली जब भी आपको एफ एक्स माइनस सम अल्फा एफ एक्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन में एक फंक्शन बनाना है जी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू एफ एक्स। अब इस फंक्शन की हेल्प से इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है। अब क्वेश्चन क्या है, कैसे सोल्व करना है, ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में एफ एक फंक्शन दिया हुआ है विच इज अ रियल लाइन टू रियल लाइन सच दैट एफ ऑफ एक्स, यहां आपको फंक्शन दिया हुआ है 1 माइनस एक्स होल स्क्वेयर एंड साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर विद एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू 1 एंड 0 अदरवाइज, और एफ डैश इसका डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एस एक सेट दिया हुआ है सी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू सी टाइम एफ ऑफ एक्स, और ये ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एफ और एफ डैश के बीच में इनक्वालिटी पूछी गई है, और जब भी ये इनक्वालिटी पूछी गई है तो जो मैंने फंक्शन बताया उसका आपको यूज करना है। तो कैसे यूज करना है उस पर देखते हैं। सी और क्वेश्चन में इस एस की कार्डिनलिटी पूछी गई है, तो सी बिलोंग्स टू आर लिखते हैं सच दैट एफ डैश एक्स माइनस सी टाइम एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन, ठीक है। तो यहां से सी बिलोंग्स टू आर सच दैट इसको मैं अगर फंक्शन बनाता हूं जी ऑफ एक्स विच इज ई टू द पावर माइनस सी एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहां से जी डैश एक्स कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। जी डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये सेम, तो ये एफ डैश ई टू द पावर माइनस सी एक्स एफ सेम, और इसका डेरिवेटिव माइनस सी ई टू द पावर माइनस सी एक्स इंटू एफ आ गया। ओवरऑल क्या आ गया, ई टू द पावर माइनस सी एक्स कॉमन आउट आ गया, एफ डैश एक्स माइनस सी टाइम ई सॉरी एफ ऑफ एक्स, ये क्वांटिटी आ गई, क्लियर है। अगर ये सी इस सेट का मेंबर हुआ, सी बिलोंग्स टू दिस, तो ये डिफाइन कर सकता हूं मैं जी एक्स, और जी एक्स डिफाइन कर सकता हूं, तो ये क्वांटिटी आएगी। उस केस में ये क्वांटिटी डेफिनेटली पॉजिटिव है, सी कुछ भी ले लो, और ये क्वांटिटी आपके पास क्या है, लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब जी डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन और इक्वल सॉरी लेस देन और इक्वल टू जीरो हो गया, तो इंप्लाइज जी जो हो गया वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्लियर है। और g अगर डिक्रीज कर रहा है, अब आप देखिए g एट जीरो क्या है, g एट जीरो e टू द पावर माइनस सी जीरो इंटू एफ एट जीरो, और f एट जीरो देखोगे तो वो जीरो दिया हुआ है, तो g एट जीरो इज जीरो, g डिक्रीजिंग फंक्शन है, जीरो पे वैल्यू जीरो है, तो इंप्लाइज g ऑफ x जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल x। तो अगर यहां कोई एक c मिलेगा इस सेट में, तो वो तभी मिल सकता है जब ये क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू जीरो हो, यानी कि ई टू द पावर माइनस सी एक्स एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल जीरो, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो एफ ऑफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स। लेकिन आप ये चेक कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी जब एक्स इस इंटरवल पे है तो साइन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो ऐसा सी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आपका जो ये एस है वो क्या प्रूफ कर दिया मैंने, एम्प्टी सेट है। अब इस क्वेश्चन में आप अगर डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दोगे तो डिस्कार्ड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एफ दिया हुआ है, एफ कैलकुलेट करके डेरिवेटिव पुट करके देन इनइक्वालिटी सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो कैलकुलेशन बहुत हैवी होगी, ठीक है। तो यहां इस क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में, जब भी आपको एफ और एफ डैश में कोई एक इनइक्वालिटी दी हुई है उनके कुछ एक लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है, ये एफ और एफ डैश का लीनियर कॉम्बिनेशन है, सी कॉन्स्टेंट है, तो जब भी एक इनइक्वालिटी दी हुई है एफ और एफ डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो सिंपली क्या करना है, इस जी एक्स फंक्शन का यूज करना है। ये ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन का कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहां एस जो हो गया मैंने क्या प्रूफ कर दिया, एम्प्टी सेट हो गया,
तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया, रिमेनिंग सारे डायरेक्टली फॉल्स हो गए। क्लियर।